तो भाई आज सुबह से मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो पंप है इसके यहाँ से आयल आ रही थी नीचे से, ये देख सकते हो गीला गीला सा है, तो किसी ने इसका पंप खोला होगा तो 1 2 3 नट तो अच्छे टाइट कर दिए थे, लेकिन एक जो अंदर है इसको टाइट करना थोड़ा कठिन है, तो उसको थोड़ा ढीला छोड़ दिया था तो इसके अंदर से आयल आ रही थी, तो अपने उसको टाइट कर दिया। थोड़ी दिक्कत गई है, टामी से हुआ है तो उसको अपन ने ओके कर दिया है। उसके बाद अपन ने मैसी की लाइट बनाई है, देखो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ इसमें कोई दिक्कत थी। ये करीब अपन स्विच चालू, और ये देखो इसकी लाइट भी बनाई है, और उसके साथ साथ इसकी लाइट भी नहीं जल रही थी तो इसको भी बनाया है। इसका जो अर्थ है इसमें थोड़ी जंग सी लग गई थी तो अपन इसको भी बनाया है, ये भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और उसके साथ साथ अपन ने हॉलैंड की भी लाइट बनाई है, और अब अपने लिए ये काम करना है इस पर। ये देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले हो गया है तो ये अच्छे से सेंसिंग नहीं दे रहा है। लीवर को आप कहीं भी ऊपर नीचे कर दो वो उतना ही काम करता है जितना उसको करना होता है। तो आप फटाफट से इसको खोलते हैं। जो पुराने मॉडल थे उनमें यहाँ पे एक सिक्का या फिर कोई भी बासरास डाल के इसको टाइट कर देते थे। ये देखो इसमें अभी ये प्ले बन गया है, इस प्ले को अपन को ख़त्म करना होगा। तो ये जो आपको ये नट दिख रहा है इधर, ये चेक नट, इसको अपन टाइट करेंगे और इधर से 3 नट खोल के उसको मिला देंगे। चलो मैं इसको खोलता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं। और इसके सेल्फ में भी कुछ दिक्कत जा रही है, इसकी सेल्फ में एक दिक्कत जा रही है कि आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको सेल्फ लगा के। इसका सेल्फ लगा रहे हैं, सेल्फ लग नहीं रहा है। ये देखो ये सेल्फ क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो न्यूट्रल वाला सेंसर है, जब अपन ट्रैक्टर को न्यूट्रल करते हैं तब जाके सेल्फ लगता है, तो जो न्यूट्रल वाला सेंसर है वो इसका गड़बड़ हो गया है, तो उसको या तो अपन डायरेक्ट कर देंगे या तो फिर सेंसर चेंज कर देंगे। तो इसको अपन न्यूट्रल भी कर लिया फिर भी अपन चालू कर रहे हैं तो चालू नहीं हो रहा, तो इसको भी अपन देख लेंगे। इसका जो न्यूट्रल वाला सेंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो साइज से ए है, इधर इधर देखो ए है साइज से, और अभी मैंने अच्छे से दिखा भी नहीं है तो मैं वो देख के आपको बताऊँगा कि कौन सा है क्या है। ये मेरे कुछ डम्बल वम्बल पड़े हैं और भी बहुत सारे हैं। चलो फटाफट से इसको खोलते हैं, इसको खोलना कोई कठिन काम नहीं है। और इसका जो सेंसर है इसमें एक ये एलगी नट भी है, तो इसको जब एलगी नट को खोलेंगे तब जाके खुलेगा, तब जाके सेट होगा, तो एलगी भी अपन को खोजनी पड़ेगी। चलो एलगी खोज के लाते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, फिर 3 नट खोलते हैं, फिर मिलते हैं। ये तो सही है। तो भाई अपन ने इसको खोल लिया है, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, तो अपने लिए इसको इसके लेवल में प्लेन करना पड़ेगा, जो इसकी बॉडी है उसके लेवल में अपने लिए प्लेन करना पड़ेगा। तो प्लेन करने के लिए सबसे पहले अपने लिए एलएनजी का नट खोलना पड़ेगा, जो कि अपन ने खोल लिया है। फिर आप इसको धीरे से इसको टाइट करोगे तो ये आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसको तब तक टाइट, और इसमें कुछ खास नहीं रहता, इसमें एक छोटी सी सेंसिंग पिन रहती है, इसमें भी कोई ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, एक कभी कभी कट जाती है, तो इसमें इतना प्ले है तो चलेगा, अगर ज़्यादा प्ले होता है, ज़्यादा कट गई होती तो इसको चेंज करवाना पड़ता और उसके लिए पूरा सिस्टम खुलता। इसको अपन ने लेवल में कर लिया है, और इसमें अपन ग्रीस भरना भूल गए थे तो अपन ग्रीस भी भर देते हैं। तो भाई जो पुराने मॉडल के ट्रैक्टर थे उनमें ये नहीं आता था, ये चेक नट टाइप का कपेक लगाने, तो उनमें सिक्का वगैरह डाल के, बासर वगैरह डाल के इसको टाइट किया जाता था, लेकिन अब इन्होंने ये चेक नट दे दिया है तो ये इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है कि इसको टाइट कर दो तो काम बन जाता है। अब ये ट्रैक्टर अच्छी सेंसिंग देगा। अब आप चेक करो, हाओ ये देखो इसमें साइड में प्ले तो है ऐसा, लेकिन ये प्ले नहीं है अंदर बाहर वाला, बढ़िया काम बन गया।
व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो फिलहाल मैं आया हूँ अपने साउथ फार्म और अपन अपने नॉर्थ फार्म भी चलेंगे यहीं से चल के। और अपनी जो फसल है आज 88 दिन की हो गई है सोयाबीन की फसल, पीछे आप देख पा रहे हो 88 दिन की कंडीशन में खड़ी है। और ये जो वैरायटी है ये है M85 और इसकी कटाई लास्ट ईयर 90 दिन में हो गई थी, इस बार ही मुझे लग रहा है कि 95 दिन तक जाएगी। तो जो दाने वगैरह हैं वो कम्प्लीटली भर चुके हैं, कहीं कहीं फलियाँ सूखनी स्टार्ट हो गई हैं, पत्ते 30% झड़ चुके हैं दो दिन में और 80-90% पत्ते झड़ जाएंगे और पूरा प्लॉट पीला हो गया है। और इसमें कोई रोग के कारण पीला नहीं हुआ है, ये नेचुरली इसने अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी की है और एक दो दिन ज़्यादा ही जी लिए हैं अपनी ज़िंदगी के और अभी तक बढ़िया कंडीशन में है। दाने वगैरह ठीक है, अब अपन कुछ नहीं कर सकते, जो है जैसा है अब अपने लिए बस काटना है। पर जो मौसम है वो थोड़ा विपरीत है इस बारी, तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इस बारी ऐसा चोरों वाला सिस्टम रहेगा कि भाई जिसने जितनी चोरी कर ली रीपर से काट के या फिर मल्टी क्रॉप थ्रेसर से उसकी कटिंग करके या फिर जो जैसा भी आप पे बने जल्दी से जल्दी जितना आपने घर पे ले जा पाए वो उतनी अच्छी बात रहेगी। तो चलो अपन अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपन पूरी मेहनत करेंगे कि जैसे बनेगा लेबर से रीपर से हार्वेस्टर से जिस चीज़ से बनेगा अपन उस चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपन अपने बाकी के प्लॉट विजिट करते हैं और मैं आपको धान वगैरह भी दिखा दूंगा, मक्का भी दिखा दूंगा, उसके बाद अपन चलेंगे अपने नॉर्थ फार्म, फिर वहाँ से वापस आएंगे क्योंकि मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पे। लो जी सर सोयाबीन चेक करो, और दो दिन में ये पूरे पत्ते झड़ जाएंगे और फिर बस फलियाँ सूखनी रह जाएंगी। तो भाई 95 दिन में ही कटेगा, अभी तो 4-5 दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि रीपर से कटाया जाए, हार्वेस्टर से कटाया जाए, लेबर से कटाया जाए। आप लोग कमेंट में बताओ भाई कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी। जब सोयाबीन में पत्ते होते हैं तो दिखता नहीं कि कैसा क्या फराव है, लेकिन अब आपको दिख पा रहा होगा, नॉर्मल सी फसल है, ज़्यादा एक्सीलेंट तो नहीं है पर हाँ ठीक ठाक प्रोडक्शन देगी, जितना भी देगी, अपन कुछ नहीं बोल रहे हैं कि इतनी देगी उतनी देगी, जितना देगी देखा जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये हमारी लाइन से लाइन की दूरी है ये लगभग 10 इंच है, तो ये अगली साल से अपन इसको 12 इंच से 14 इंच रखेंगे। ये अपनी गलती है कि अपन इसको 9 इंच या 10 इंच पर लगाते हैं, अगर इसमें गैपिंग अच्छी होगी और लाइन में सीड रेट ज़्यादा कर दो आप, लेकिन गैपिंग ज़्यादा रखो तब जाके आपको अच्छी ब्रांचिंग मिलेगी। आप देखो इस पौधे में कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधा पौधा है, मतलब अपने 90% पौधे ऐसे हैं कि जिनमें ब्रांचिंग नहीं है। तो जब तक ब्रांचिंग नहीं आएगी जब तक प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। और भाई अगर मौसम के बारे में बात की जाए तो अपना जो मानसून है वो 17 सितंबर से अपनी वापसी चालू कर देता है, जो ये हवाएं पाकिस्तान तरफ से आती हैं मध्य प्रदेश की तरफ वो पावरफुल हो जाती हैं 17 तारीख के समथिंग, और जितने भी वेदर सिस्टम रहते हैं उनको पीछे धकेलने का काम चालू कर देती है और जो भी नए वेदर सिस्टम बनते हैं उनको आने नहीं देती है। तो 17 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में जो मानसून है वो चला जाता है, लेकिन इस बार ही क्या सिस्टम गड़बड़ है कि एक के बाद एक नए सिस्टम बनते जा रहे हैं, अभी तक 4 सिस्टम बन चुके हैं और एक 5वें सिस्टम बनने की और तैयारी चल रही है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि सितंबर के महीने में एक के बाद एक लगातार 4 सिस्टम बन जाएं, एक सिस्टम ख़त्म हुआ दूसरा चालू हुआ तीसरा चौथा, 4 सिस्टम बन चुके हैं, अब एक 5वें की तैयारी है, एक 5वां सिस्टम और बन जाएगा तो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए दिक्कत होने वाली है सोयाबीन काटने में। मैं आशा करता हूँ कि ये सिस्टम बने लेकिन उतना ताकतवर ना बने कि हमारे सोयाबीन की फसलों को कोई नुकसान करे। जो लेट वैरायटी की फसलें हैं उनके लिए तो एक हिसाब से फ़ायदा ही होगा, जैसे 2172 है, 1135 है, तो ये जो वैरायटियाँ हैं ये ताबड़तोड़ उत्पादन देगी, लेकिन जो वैरायटी हैं जैसे 1569, 9560 और M85 ब्लैक बोल्ड,
22, 18, 23, 23, 09 तो इस टाइप की जो वैरायटियां हैं इनके लिए लेकिन आफत होने वाली है। चलो देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। और भाई ये जो प्लॉट है ये भी 88 दिन का ही है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 95 से 98 दिन में काटेगा। इसने पीलापन लेना स्टार्ट कर दिया है वहाँ से, लेकिन ये थोड़ा लेट कटेगा। वो देखो उस तरफ का प्लॉट में अभी आपको दिखा रहा था, तो उसका कलर बहुत ज़्यादा, जबकि हाँ उसकी बोनी हुई थी सुबह और इसकी बोनी हुई थी शाम को, पर इसमें डिफरेंस क्या है कि जब वो पानी का सूखा सा पड़ गया था, पानी नहीं गिर रहा था, तो उस टाइम पे अपन ने इसमें नाजले वगैरह लगा दी थी। और ये थोड़ी अच्छी जगह है, हैवी सॉइल है, और इधर अपन ने प्लाव भी किया था तो वो कारण हो सकता है। और जहाँ अपन ने प्लाव नहीं किया था, हैवी सॉइल तो है लेकिन इधर अपन ने प्लाव किया था और इधर अपन ने प्लाव नहीं किया था, तो इधर पीला पड़ना स्टार्ट हो गया है। अब मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, आपको मक्का और धान दिखाऊंगा, लेकिन मैं इस खेत में बीचों बीच चलते हुए जाऊंगा कंडीशन चेक करते हुए। और भाई मैं एक और प्लॉट आपको दिखा रहा हूँ, ये भी M85 का ही प्लॉट है, और इसमें अपन ने थोड़ा बीज दर कम रखा था, तो उसका अपन को थोड़ा सा एडवांटेज मिला है कि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन फलियाँ बहुत ज़्यादा लगी हैं। हाइट तो कम है, रीपर से काटने के लिए में दिक्कत जाएगी, हार्वेस्टर से काटने में दिक्कत जाएगी, लेकिन जो फलियाँ लगी हैं वो नेक्स्ट लेवल है। तो अपने लिए ज़्यादा बीज दर भी नहीं रखना चाहिए सोयाबीन का, मेरे हिसाब से जो सोयाबीन का बीज दर होना चाहिए वो 30 किलो प्रति एकड़ होना चाहिए बस। इधर अपन ने 28 किलो प्रति एकड़ डाला है, 2 किलो और डालना चाहिए था तब जाके पूरे पूरे मजे आते। 30 किलो प्रति एकड़ बहुत ही बेहतरीन बीज दर है इस टाइप की वैरायटियों के लिए। और अगर कोई ज़्यादा ही फैलने वाली वैरायटी है तो उनमें आप 25 से 30 किलो के बीज में रख सकते हो। इसमें आप 30 किलो से भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, अगर आपकी यहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा ताकत नहीं मारती है, दम नहीं मारती है, तो आप प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा करके उसके लिए मैनेज कर सकते हो। और भाई ये सोयाबीन तो लगभग कटने के लिए आ गए हैं, इस बार थोड़ा टेंशन का माहौल है, पर हर बार ऐसा ही रहता है थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल, लेकिन बाद में जाके भगवान सब किसानों के पक्ष में अच्छा ही करता है, तो वी आर होपिंग कि सब अच्छा ही हो। अब चलो धान और मक्के पे को देखते हैं, फिर चलेंगे बोले अपने नॉर्थ फार्म। वैसे तो भाई धान को देख के दिल खुश हो गया है, और इसमें अपन अब 0050 का स्प्रे करवाएंगे, बस एक बार इसका पूरा का पूरा पॉलिनेशन ख़त्म हो जाए। पॉलिनेशन कब तक चलता है? पॉलिनेशन जब तक आपकी बाल है जो ऐसी ऊपर को खड़ी रहती है तब तक पॉलिनेशन चलता है, अगर एक बार ये नीचे को लटक गई तो फिर आपका पॉलिनेशन ख़त्म है। जैसे ये देखो अभी इसमें पॉलिनेशन चल रहा है, ये आपको स्टिग्मा आपको दिख रहे होंगे, ये देखो तो इसमें अभी पॉलिनेशन चल रहा है। तो अभी अपन स्प्रे वगैरह कुछ नहीं कर सकते, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी कीटाणु हो जाए तो अपन स्प्रे नहीं कर सकते। स्प्रे अपन इसके बाद करेंगे, एक अपन ने बाली निकालने के पहले स्प्रे किया था, अब एक बाली निकालने के बाद स्प्रे करेंगे इसमें। या तो फिर कीटनाशक डालेंगे, नहीं डालेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा लो असर वाले डालेंगे कि वो जिसका असर 3-4 दिन तक रहे, अदरवाइज उसका जो असर रहेगा वो दाने के अंदर चला जाएगा तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि अपन घर पे ही खाते हैं और जिसको भी अपन देते हैं तो वो उसको खाता ही है। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ अपन ऐसा कर दें कि कोई हैवी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दें अपने फ़ायदे के लिए और फिर बाद में जाके लोगों को नुकसान हो, तो अपन ऐसा नहीं करते हैं, वरना अपन किसान ही किस काम के। तो इस टाइम पे कोई भी हैवी दवाई का स्प्रे नहीं करना चाहिए, जैसे क्लोरेंटनिरिपोल वगैरह का बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 20-25 दिन तक उनका असर रहता है तो वो अच्छी बात नहीं है। मक्का भी बढ़िया है, धान भी बढ़िया है, मौसम से कोई दिक्कत नहीं है धान को, मौसम से फ़ायदा ही है धान को, मक्के को भी कोई दिक्कत नहीं है, मक्का भी कह रहा बढ़िया है, चले चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो पीछे आप ये धान देख पा रहे हो ये है 1637, 1637 है बासुमती की वैरायटी है, जो कि अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है, आई होप कि इसका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। अब इसमें एक स्प्रे करना है 0050 का, तो वो अपन करेंगे ताकि दाने का साइज जो है वो अच्छा बने, और बाकी सब बढ़िया है, आप चेक करो। और भाई ये चेक करो गुलदस्ता,
और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अपन इस धान की निंदाई नहीं करवाई है, कचड़ा वगैरह अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और भगवान करे कि दिखे भी ना। और मैं इधर आपको कॉलर वगैरह दिखा देता हूँ, इसकी कॉलर वगैरह बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं मुझे फोक भी नहीं दिख रहा है, खाली दाने भी नहीं दिख रहे हैं। ये देखो कहीं कहीं ये एक ही खाली दाना आपको दिख गया है, और ज़्यादा नहीं है, 1-2% है जिनके अंदर पॉलिनेशन के दौरान पानी चला गया हुआ। इधर हैं कुछ ये फोक के दाने, ये देखो डैमेज है, इनके अंदर दाना नहीं बनेगा। बढ़िया। और ये जो मक्का है ये है NSM बॉन्ड कंपनी का 007, तो ये लगता है कि थोड़ा कम दिनों का मक्का है, इसमें 1, 2, 3 मक्के लगे हैं एक पौधे में, और ये थोड़ा कम दिनों का है तो बारिश से थोड़ा बहुत नुकसान इसको हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नुकसान नहीं होगा। थोड़ा दाने का जो साइनिंग है वो मामूली सी डाउन होगी। और वो उधर मैंने आपको दिखाया था मक्का, वो था 4352, ये NSM का बॉन्ड 007 है। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा अपने नॉर्थ फार्म, वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, चलो नॉर्थ फार्म अपन शाम को देखेंगे। अब मैं इधर से जा रहा हूँ वापस घर पे, और मैं अभी जिस चौथे सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, अगर वो बन जाता है तो पूरे सितंबर अपने यहाँ पे बारिश होगी, और जो अपने सोयाबीन वगैरह हैं वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि पूरे सितंबर में अपन अपना सोयाबीन काट के फ्री हो जाते थे, अपन खेतों की बखन्नी वगैरह करने लगते थे अक्टूबर के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 अक्टूबर के समथिंग अपन फ्री हो जाते थे सोयाबीन से। लेकिन इस बारी तो भाई सिस्टम सारा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगर ये जो वेदर सिस्टम बन रहा है ये बन जाता है तो ये बैंड बजा देगा पूरे के पूरे किसानों की। और ये लगभग ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि 5 से 6 दिन तक बारिश देगा, और ये 23 तारीख के समथिंग बनेगा, और 23 से लेके 29 तारीख तक ये बारिश दे सकता है। भगवान करे कि कुछ ऐसा हो जाए ये सिस्टम ना बने, और अगर बनेगा तो देखा जाएगा।